हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रानू गौर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको कभी कुछ अलग खाने का दिल करे तो आप इस तरह सोया चंक्स की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ सोया चंक्स का ये पैकेट है ये लिया है और ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, इसमें क्या क्या है और आप इसकी पैकिंग पूरे अच्छे से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए इसे ज़रूर खाना चाहिए। इस पर यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी है और प्राइस वगैरह सब दे रखा है। ये गुड लाइफ कंपनी का पैकेट है। अब हम यहाँ सोयाबीन की थोड़ी सी बड़ी लेंगे और इसे पानी में अच्छे से धोकर इसे बॉयल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ गैस ऑन कर दी है और इसे 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म पानी करके बॉयल कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ एक प्याज, एक टमाटर, 2 हरी मिर्च और ये मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट पड़ा है, आज मैं ये काम में लेने वाली हूँ। आप इसे देख सकते हैं, आपको कभी जल्दी हो तो आप इसे काम में ले सकते हैं। ये 200 ग्राम का पैकेट है और काफ़ी दिन चलता है। इस पे सारे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, प्राइस सब दे रखा है, आप ध्यान से दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को काट कर मिक्सिंग जार में डाल दिया है। मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, उसमें से ये छोटा टुकड़ा रख लिया है और 1 टी स्पून में इसमें ये गार्लिक जिंजर पेस्ट इसमें डाल दूँगी। और अब मैंने ये पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और इससे पहले हम अपने सोया चंक्स को देख लेते हैं। ये देख, अब हमारे सोया चंक्स पानी में अच्छे से भीग चुके हैं और देखिए कितने स्पंजी हो गए हैं। देखिए, मैं कैमरे में पास से दिखा रही हूँ। अब हम इनका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इनका पानी अच्छे से निकाल लिया है और ये फूल कर आप देखिए बड़े हो गए हैं। हम इनको आधा आधा कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे आधा कट कर लिया है और ये आसानी से कट हो जाएगा। अब मैं इन सब को कट कर लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने सारे अच्छे से कट कर लिए हैं और इनका पानी अच्छे से निकाल दिया है। अब फ्रेंड्स, हम इन सोया चंक्स को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ और इसे थोड़ा सा गरम कर लूँगी। और ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें सोया चंक्स को डालकर इसे चलाते हुए पका लूँगी। इससे इनमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आप इन्हें नहीं फ्राई करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें ऐसे भी सब्जी में काम में ले सकते हैं। ये इनका टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम मेरे मायके में सोयाबीन की सब्जी नहीं बनती थी। जब मैं शादी होने के बाद ससुराल आई तो वहाँ मैंने ये सब्जी पहली बार ही खाई थी और मुझे शुरुआत में ये अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अब हमारे सोया चंक्स फ्राई हो गए हैं और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं, मैंने इन्हें अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है। अब हम अपने ग्रेवी की ओर चलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए, जितना आप खाते हैं उतना। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। ऑयल गरम हो गया है और अब हम इसमें थोड़ी सी राई ऐड करेंगे। राई अब चटकने लग गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अब इन दोनों को हम चलाते हुए पका लेंगे और ये दोनों पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें हम अपना ऑनियन गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आप ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ इसमें ग्रेवी डाल दी है और इसे चलाते हुए अच्छे से पका लूँगी। फ्रेंड्स, ये पक रहा है, इतनी देर में अपनी टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है और ये पेस्ट भी अच्छे से पक कर तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें अब
एक चम्मच बेसन डालेंगे। मेरी ये चम्मच थोड़ी छोटी है इसलिए मैं इसमें दो चम्मच ऐड कर रही हूँ, पर आप इसमें एक चम्मच बेसन हल्का सा इसमें डाल दें और इसे अच्छे से प्याज के साथ पकने दें। आप इसे प्याज डालने से पहले भी चाहे डाल सकते हैं और चाहे बाद में भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ दो चम्मच इसमें बेसन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पकने दूँगी। फ्रेंड्स, इसमें बेसन डालने से हल्का सा क्रंचीनेस सब्जी में आएगी और आपकी ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो जाएगी। अब मैं अपनी टमाटर की प्योरी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से चलाते हुए पका रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक, तो मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर लें। 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर हम अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए थोड़ा पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने ये जार ले लिया है। इसको अच्छे से धोकर हम इसमें ये पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है। इससे जार में लगी टमाटर की प्योरी भी हमारे काम में आ जाती है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके चलाएंगे और 1 मिनट तक चलाते हुए इसे पका लेंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। अब फ्रेंड्स, हमारी सब्जी में उबाल आ गया है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो ये अच्छे से बॉईल होने लग गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। आप दही ऐड कर सकते हैं या छाछ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ी सी छाछ रखी है, तो अब हम इसमें 1/2 कटोरी इसमें ये छाछ ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से बॉईल होने तक पकाएंगे। आप इसे बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि दही फटने का डर रहता है। आप इसे लगातार धीरे धीरे फेंटते रहें और इसे चलाते हुए पकाएं। 1-2 मिनट में यह पककर तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें अपनी सोया चंक्स की बड़ी डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और ये पककर तैयार हो गया है। अगर आपकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पहले अपने सोया चंक्स डालेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने अपने सारे सोया चंक्स इसमें अच्छे से डालकर मिक्स कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छे से इसमें थिकनेस आ गई है और अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्रेवी रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद में ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मेरी इस सब्ज़ी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी। आपको जितनी ज़रूरत लगे आप उतना पानी ऐड कर लीजिए। और अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे और इसे पकाएंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी पककर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती ली है और इनको अच्छे से धोकर कट कर लिया है, जो मैं ये सारी इसमें सब्जी में डालने वाली हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने धनिया की पत्तियाँ इसमें अच्छे से डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये बेसन वाली ट्रिक बताई है,
आप इसे किसी और ग्रेवी की सब्जी में भी काम में ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी ग्रेवी थोड़ी कम थिक होने वाली है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। तो मैंने इसे एक बाउल में डाल लिया है और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से प्लेट में रखकर आपके सामने पेश किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।